जी हाँ दोस्तों, आज हम नेहा कक्कड़ के जन्मदिन के शुभ अवसर के दिन आपको इनके जीवन की संघर्ष की कुछ ऐसी बातें, ऐसी अनसुनी कहानियां बताने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने इनके रियलिटी शो में सुनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने नहीं सुनी आज वे हमारी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पा लेंगे। कितने संघर्ष के बाद नेहा कक्कड़ बॉलीवुड की हिट मशीन के तौर पर जानी जाती हैं। आपको बता दें दोस्तों, इनका जन्मदिन 6 जून को आता है। लेकिन दोस्तों रही बात इनके गानों की, वह जब भी आए लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत जाता है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। इनकी मुस्कुराहट लोगों की जान बन जाती है और साथ ही साथ इनके गाने लोगों के लफ्ज़ों पे इस प्रकार से बस जाते हैं कि मानो वे हर समय उसी को गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं। नेहा कक्कड़ कोई सा भी गाना गाए, वह हिट होना लाजमी हो जाता है। और साथ साथ देखे जाए कि किस प्रकार से बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर इनके एल्बम तक सभी काफ़ी सुपरहिट भी है। शायद ही कोई ऐसा गाना होगा जो सुपरहिट ना रहा हो। आपको बताएं दोस्तों, नेहा कक्कड़ ने GTV के सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामापा लिटिल चैंप सीजन 6 में एक ऐसा बड़ा खुलासा करा था जो शायद हर किसी की आंखों में आंसू ला देगा। हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से नेहा कक्कड़ पर इतने सारे मीम्स बनते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी बात पर रो देती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके रोने के पीछे भी कुछ बड़ी वजह है। इनकी पीछे की बड़ी वजह यह है कि इनका जीवन का कुछ ऐसा कठिन संघर्ष जो इनको समय समय पर याद आ जाता है। ये बताती थी कि आज जब मैं बच्चों को रियलिटी शो का हिस्सा बनते हुए देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, अपने बचपन के वही संघर्ष भरे दिन याद आ जाते हैं। क्योंकि ये बताती है किस प्रकार से पहले इनके पिताजी इनका अच्छा जीवन यापन करने के लिए, यानी इनको अच्छा जीवन देने के लिए और साथ साथ हर खुशियाँ देने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्कत करते थे, जो हर किसी के पिता करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेहा कक्कड़ जो आज के समय में ऐसा नाम है, शायद इनके लाइफ में इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें किस प्रकार से इन्होंने आगे ये भी बताया कि मैं आज भी उन दिनों को नहीं भूल सकती थी जब मेरे पिता सोनू दीदी यानी इनकी नेहा कक्कड़ जी की बहन के स्कूल के बाहर समोसे बेचा करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा था किस प्रकार से नेहा कक्कड़ ने रियलिटी शो में रोते रोते बड़ा खुलासा करा था कि इनके पिता नेहा कक्कड़ की दीदी जी के यानी सोनू दीदी जी के स्कूल के बाहर समोसे बेचा करते थे। समोसे बेचने तक तो सही था, लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं किस प्रकार से समाज किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ता। इस प्रकार से इनकी बहन को भी नहीं छोड़ा गया था क्योंकि हर स्कूल के बच्चे इनके प्रतंज कसते हुए दिखाई देते थे, हर व्यक्ति इनका मजाक उड़ाते हुए दिखाई देता था कि तुम्हारे पिता समोसे बेचते हैं, तुम्हारे पिता समोसे बेचते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, देखने वाले का नज़रिया होता है। लेकिन नेहा कक्कड़ ने जिस प्रकार से ये बड़ा बयान दिया था और साथ साथ ये किस्सा बताया था, इनकी आँखों में जो आंसू थे वे देखने लायक थे क्योंकि इनके दिल में इतनी उमंग भरी हुई थी इस बात को लेके कि आज इस मुकाम पे पहुंची, इन्हें काफ़ी गर्व है, इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया, इस बात का भी गर्व है। नेहा कक्कड़ के जन्मदिन के दिन हमारे चैनल की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।